लुक बहुत ज्यादा जबरदस्त बन जाती है। ये देखें, ये सोडा वो छानने की मदद से ये छान रहा है। ये सोडे को छानने के बाद मिक्स किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं सरपंच मताना ए पी बैकल के सामने मौजूद हूँ। तो आज हमने फयाज भाई से टाइम लिया था कि वो हमें रस और बिस्कुट बनाने का तरीका बताएंगे। तो चले आए, हम चलते हैं बैकरी की तरफ। चीनी इसके ऊपर हम मावे तैयार करते हैं। सही है, ठीक है, मिला के हल करके उसके बाद ये तैयार हो जाता है। इसे नीचे उतार देते हैं, तैयार है, ठीक है। तो व्यूवर ये देख रहे हैं, ये माल इनका जो है मावा तैयार हो गया। अब यहाँ से निकाल के ये बर्तन ये साफ कर रहे हैं। इनका माशाल्लाह से मैंने विजिट किया है, सफाई और सुथराई का बहुत ही ज़बरदस्त इंतज़ाम किया हुआ है। देखें, इन्होंने मास्क वगैरह पहने हुए हैं, तो प्रॉपर अच्छे तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। ये अभी आपको दिखा रहे हैं, ये मावा इसे बोलते हैं। ये तैयार हो गया है, तो अभी ये निकालेंगे और इस टब में डालेंगे। तो ये देखें व्यूवर, ये इनका मतलब चीनी डाल रहे हैं। तो इनका ना मुकम्मल तरीका होता है कि मतलब इतने किलो में इतना ये मटेरियल डालना है। तो ये भी हम इनसे पूछेंगे कि कितनी किलोग्राम इनकी ये चीनी लगती है इसे एक टब को तैयार करने में, और कितना घी रिक्वायर्ड होता है। ये आप देख सकते हैं, माशाल्लाह मेहनती लड़के हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने सफाई का जो अपना ख्याल रखा हुआ है। देखें, मास्क पहने हुए इन लोगों ने। ये देखें, ये इसमें घी डाल रहे हैं। ये पवा कितने किलोग्राम का है? आधा किलो का, किलो का है? किलो का पूरा है, किलो का है। ये क्या चीज है जो डाल रहे हैं? ये पफ है, इसको जाम करेगा, क्रीम बनाएगा। अच्छा, ठीक है, ये पफ इसमें डाल रहे हैं, ये इसको जाम करेगा। घी में ये डाल रहे हैं ना? घी को जाम करेगा और क्रीम बनाएगा। ठीक हो गया। देखें व्यूवर, ये इन्होंने पफ इसे बोलते हैं ये डाली है। ये क्रीम बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। अब देखें, आपके सामने प्रोसेस हो रहा है। अब ये इसमें चीनी भी डालेंगे। इन्होंने वजन कर लिया चीनी का, अब ये इसमें डाल रहे हैं। ये व्यूवर देखें, ये इसमें अंडे भी डाले जाते हैं, तो ये अंडे डाल रहे हैं। ये देखते हैं, ये इसमें भाई जो है ये मसाला बना रहे हैं। ये क्या चीज़ है, क्या आदेश मेरी बनेगा? ये सोडा। अच्छा, ये सोडा भी इसमें डालते हैं? क्रीम टाप और मैदा, इससे पाउडर बनेगा जिससे रस होगा। अच्छा, सोडा, क्रीम टॉप की, और क्या कह रहे हैं बताएं? मैदा। मैदा, ये तीनों चीजें होती हैं जिससे मतलब है उसके टेस्ट में जो और इसकी लुक बहुत ज्यादा जबरदस्त बन जाती है। ये देखें, ये सोडा वो छानने की मदद से ये छान रहा है। ये सोडे को छानने के बाद मिक्स किया जा रहा है। ये क्रीम कॉफी का पाउडर है, ये भी इसमें मिक्स करते हैं।
और सोडा, ये तीनों चीजें इसमें मिक्स की जा रही हैं। ये अच्छे से इसको मिक्स कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं व्यूवर्स, ये सोडा, मैदा और टॉफी पाउडर जो है ना, वो इन्होंने मिक्स किया था। तो ये अब उसमें टब में जो माल बनाया हुआ है उसमें ये मिक्स करेंगे। इसमें ये 1.25 किलो की क्वांटिटी है, ये इसमें मिक्स कर देंगे। तो ये क्या इसमें डाल रहे हैं? ये वनीला पाउडर है। अच्छा, वनीला पाउडर है ये जी। अच्छा, क्योंकि मैदा जो सट्टों कच्चे आते हैं जिसका हवा ना हो। अच्छा, स्मेल आती है उस वजह से ये वनीला पाउडर डालते हैं ताकि इसका जो खुशबू अच्छी आए। ठीक हो गया। ये देख रहे हैं ये वनीला पाउडर है, ये खुशबू और जायके के लिए होता है, क्योंकि मैदा जो होता है कच्चा होता है तो उससे फिर जो है ना स्मेल आती है। तो ये आप देख सकते हैं, आप लोग ये देख सकते हैं, ये बर्फ इसमें डालते हैं। तो बर्फ को छोटे छोटे टुकड़े करके, तो ये जो टब बने हुए हैं इसमें हम आपको दिखाएंगे कि कितनी मिकदार में ये बर्फ डाली जाती है। और भाई से पूछते हैं कि ये बर्फ इसमें किस लिए डालते हैं? ये ठंडा थी मैंने मावा। अच्छा, मावे गर्म हुए जरा खराब थी। अच्छा अच्छा, ये भाई बता रहे हैं कि मावे को ठंडा करने के लिए इसमें बर्फ डाली जाती है। अगर मावा गर्म रह जाए तो रस, बिस्किट जो चीज हम बनाते हैं वो खराब हो जाती है, इसलिए ये इसमें बर्फ डाल रहे हैं। और ये देख लें, इसमें बर्फ डाली जा रही है। तो आप देख सकते हैं, अब इन्होंने ये इसमें आइस वगैरह बर्फ वगैरह डाल दी है। तो ये इसमें क्या लेके आए हैं? जी मैदा। ये मैदा इसमें भाई लेके आए हैं। तो ये मैदा अब इसमें मिक्स करेंगे, या छानी की मदद से इसमें मैदा डालेंगे। तो आपके सामने देखें ये हो रहा है। हाथ मारूं। मिक्स किया जा रहा है अच्छे तरीके से। मिक्स करने के बाद ये इसमें मैदा डाला जा रहा है। मैदा डालने के बाद फिर इसको हाथ से अच्छी तरह ये मिक्स करेंगे। तो ये देख सकते हैं ऊपर, ये सारा मिक्सअप हो गया है मैदा इसमें डाल के। तो ये अपनी असली हालत में अब आ गया है। तो ये तराजू फयाज भाई किस लिए आपने मंगवाया? ये भाई वजन के हिसाब। अच्छा, वजन करके मतलब मटेरियल डालते हैं? वजन करके भी। ये देख सकते हैं, ये तराजू का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वजन मतलब जिस हिसाब से उन्होंने रस बिस्किट बनाना हो उसका वजन करके ये बनाते हैं। देख सकते हैं व्यूवर जी, इसमें जो है ना फ्लेम कर रहे थे बड़ी चौकी चावल। आप सब देख रहे हैं, ये तैयार हो गया। अब ये भट्टी भी पक गई है। तो ये भट्टी में ये सामान रख के तो इसको पकाने के लिए रखेंगे। ये आपके सामने है, ये देख सकते हैं। प्याज भाई जरा ये बताएंगे, ये कितनी देर भट्टी के अंदर रखना पड़ता है? भाई ताव का हिसाब होता है, तकरीबन एक ताव है तकरीबन 12 मिनट 13 मिनट। तो बता रहे हैं कि ताव का मतलब उसके टेम्परेचर का हिसाब होता है, जो
एक काम में 12 से 13 मिनट मतलब ये रखना पड़ता है, उसके बाद ये तैयार हो जाता है। तो अभी आपको दिखाते हैं, ये अभी रख रहे हैं, जब ये तैयार होगा तब भी आपको दिखाएंगे। तो जैसा कि व्यूवर्स आप देख रहे हैं, ये भट्टी में से अब ये पक गए हैं, तो इनको बाहर निकाल रहे हैं। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल पक के तैयार हो गए हैं। इनको बाद में छुरी की मदद से काट लेते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। अभी ये देख लें, ये सारे पक के तैयार हो गए हैं, ये भट्टी से निकाल रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, भट्टी से निकालने के बाद 15 से 20 मिनट इसे रखना पड़ता है ताकि ये आसानी से ये काटा जा सके। तो आप ध्यान से इसमें काट के दिखाएंगे कि किस तरह ये काटते हैं। ये देख सकते हैं, एहतियात के साथ काटना पड़ता है, छुरी के हाथ पे लगने का डर भी होता है। तो ये इस तरह इसकी कटाई होती है। प्याज भाई से ये पूछेंगे, प्याज भाई आपके पास कौन कौन से कितने कितने रुपए वाले बिस्किट रस वगैरह आपके पास होते हैं? हमारे पास 2 रुपए वाला बिस्किट भी है, 5 वाला भी है, 10 वाला भी है, 5 वाला रस केक भी है, 10 वाला है, और ये है ना, ये 20 वाला। हाँ, हमारे पास सिर्फ 3 और 4 आइटम है, ठीक है, और कोई सा आइटम नहीं है। ठीक है, ये प्याज भाई का मैं नंबर भी आपको दे दूंगा। इनके पास 2 रुपए वाला बिस्किट है, 5 रुपए वाला, 10 रुपए वाला और 20 रुपए वाले तक केक इनके पास मौजूद है। इनका टेस्ट भी किया है, बहुत अच्छा और बहुत जबरदस्त बनाते हैं। अगर आपको जरूरत हो, आप लेना चाहते हैं, तो नीचे नंबर देंगे, फिहाद भाई का नंबर होगा, उससे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो खत्म करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, जिन भाइयों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होता है। सब अल्लाह।